और कंगना रनौत पर विवादित टिप्पणी को लेकर नया अपडेट, राष्ट्रीय महिला आयोग का रुख सख्त। राष्ट्रीय महिला आयोग ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी, कांग्रेस नेता श्रीनेत और एचएस अहीर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तो लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की एक विवादित टिप्पणी बड़ा मुद्दा बन गया है। इस विवाद पर कंगना रनौत ने सुप्रिया श्रीनेत को तीखा जवाब दिया है। सुप्रिया श्रीनेत की पोस्ट के बाद कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर इसका जवाब दिया, तस्वीर को भी साथ में टैग किया। प्रिय सुप्रिया जी, करियर के पिछले 20 साल में मैंने हर तरह की महिलाओं की भूमिका निभाई है। क्वीन में एक भोली लड़की से लेकर धाकड़ में एक आकर्षक जासूस तक, मणिकर्णिका में एक देवी से लेकर चंद्रमुखी में एक राक्षसी तक, रज्जो में एक वैश्य से लेकर थलाइवी में एक क्रांतिकारी नेता तक। हमें अपनी बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए। हर महिला अपनी गरिमा की हकदार है। विवाद बढ़ने के बाद सुप्रिया श्रीनेत को गलती का एहसास हुआ और उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। कंगना के इस जवाब के बाद सुप्रिया श्रीनेत को भी लगा कि उनसे बड़ी चूक हुई है। यही वजह है कि उन्होंने पोस्ट को डिलीट कर दिया और फिर सफाई पेश की। फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है, उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया। बीजेपी ने इसे नारी शक्ति के अपमान से जोड़ दिया। आज नारी शक्ति का अपमान करने से भी कांग्रेस पीछे नहीं हटी। और बीजेपी के कई नेता पोस्ट का स्क्रीनशॉट लेकर सुप्रिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रियंका गांधी और खड़गे से सवाल पूछ रहे कि क्या वो सुप्रिया श्रीनेत को बर्खास्त करेंगे। दिल्ली से हिमाचल तक सियासत तेज है। कंगना रनौत पर विवादित पोस्ट मामले पर बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने कांग्रेस को घेरा। तो जिनकी सोच और जिनकी मानसिकता जैसी है, उनको दूसरे भी यही नजर आते हैं। कंगना जी एक साधारण परिवार की बेटी है और साधारण परिवार की बेटी ने ही अपने आप को बढ़ाते हुए और फिल्म इंडस्ट्री तक ले जाकर हिमाचल को गौरवान्वित किया है। सुप्रिया श्रीनेत पर कांग्रेस के भीतर से भी सवाल उठने लगे हैं। किसी भी महिला के बारे में इस तरीके का कमेंट करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। वही कंगना रनौत की उम्मीदवारी पर हिमाचल प्रदेश की सियासत में उबाल आया हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमला पर है। कंगना रनौत के मंडी से बीजेपी उम्मीदवार बनने पर प्रतिभा सिंह ने कहा कि फिल्मी किरदार और राजनीतिक भूमिका में बड़ा अंतर होता है। हमें खुशी है कि उनको भी मौका मिला है, हालांकि वो सेलिब्रिटी है, बट एकदम से राजनीति में आकर कैसी भूमिका निभाती है वो देखने वाली बात है। अनुराग ठाकुर ने कहा, मानदंड रख के चुना जाता है और वैसे ही जीतने वाले कार्यकर्ताओं को टिकट मिली है। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि क्या वो इतना समय जो है हिमाचल प्रदेश के एक तिहाई क्षेत्र को दे पाएंगे,